हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर मानव श्रृंखला बनाकर जताया विरोध। राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब में हुई सुरक्षा में चूक को लेकर भारतीय जनता पार्टी सोजत मंडल के कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय के सामने मानव श्रृंखला बनाकर राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी गोपाल जांगिड़ को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य किशनलाल सोनी ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होना बहुत गंभीर बात है। यह पंजाब की कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर राजनीतिक देशता के कारण प्रधानमंत्री की जान को खतरे में डाला, जिससे ओबीसी मोर्चा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। मोर्चे के जिला मंत्री धर्मीचंद देवासी ने कहा कि पूरे देश ने देखा कि किस तरह देश के प्रधानमंत्री उपद्रवियों के बीच फंस गए और पंजाब की पुलिस मूक दर्श की तरह खड़ी रही। सोजत मंडल अध्यक्ष नरपत राज सोलंकी ने कहा कि पंजाब सरकार जब देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकती तो पंजाब की जनता की क्या सुरक्षा कर सकती, वो भगवान भरोसे है। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि जुगल किशोर निंकुम, महामंत्री हीरा लाल कांठेर, पार्षद राकेश पवार, गणपत बोराना, श्याम गहलोत, राकेश भटनागर, ओबीसी मोर्चा सोजत मंडल के राकेश देवड़ा, मंडल मंत्री महेश सोनी, कुलदीप भाटी, दूलाराम माली, महेंद्र गहलोत, अटपड़ा मंडल उपाध्यक्ष भवान लाला सैनी, बगड़ी के ललित सोनी, मांगीलाल माली सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जागरूक टीवी के सोजत से नथराम बोराना की रिपोर्ट।